सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। राजस्थान के अलवर जिले में प्याज का सीजन समाप्त होने को है। इस बार प्याज में लगे जलेबी रोग ने किसानों का करीब 50 करोड़ की फसल को नुकसान किया है, तो वहीं इसमें नकली बीज से फसल को बुआई होना भी मुख्य कारण माना जा रहा है। अलवर जिले की लाल प्याज देश भर में मशहूर है। यहां से हर साल देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों तक भी लाल प्याज की सप्लाई होती है। इससे पिछले कई सालों में किसानों को मोटा मुनाफा भी हुआ, लेकिन इस बार लाल प्याज से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार प्याज की फसल को एक तरफ तो जलेबी रोग ने मारा, तो वहीं जिले में प्याज को नकली बीजों की बुआई का भी नुकसान झेलना पड़ा। पिछले कुछ सालों पर अगर नजर डालें तो वर्ष 2018 में प्याज के बीज का भाव 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं वर्ष 2019 में प्याज के बीज का भाव 4200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया था। वर्ष 2020 में 4500 से लेकर 5000 रुपये क्विंटल तक प्याज के बीज का भाव रहा था। वहीं वर्ष 2021 में प्याज के बीज का भाव औसतन 5000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। तीन सालों में प्रति क्विंटल बीज के भाव में 2000 से लेकर 3000 की बढ़ोतरी हुई है। किसान को एक बीघा जमीन में 25 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। एक बीघा जमीन में प्याज की फसल की बुआई से लेकर के मजदूरों द्वारा कटाई तक का खर्चा 50000 से लेकर 60000 रुपये तक का प्रति बीघा आता है। प्याज के बीज का भाव इतना ज्यादा हो गया है, वहीं बाजार में नकली बीज भी धड़ल्ले से बिके, जिससे किसानों ने सस्ते के लालच में घटिया बीज खरीद लिया, जिसका खामियाजा भी किसानों को फसल में नुकसान पर उठाना पड़ा। वहीं इस दौरान प्याज में ज्यादा नमी होने के चलते जलेबी रोग लग गया, जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई। अलवर जिले में लाल प्याज की फसल ने देश विदेश में पहचान बनाई हुई है। सितंबर अक्टूबर लाल प्याज की बुआई की जाती है। किसान को एक बीघा जमीन में लाल प्याज की फसल 60 से 70000 रुपए की लागत आती है। अलवर जिले में बारिश अधिक होने से और जलेबी रोग लगने से प्याज की 40% फसल खराब हो चुकी है, जिससे किसान को काफी नुकसान हुआ है। प्याज के बीज के क्वालिटी हल्की होने के कारण काफी नुकसान हुआ है। अब की बार कंपनियों से एग्रीमेंट किया है कि अच्छी एवं उत्तम क्वालिटी के बीज होने पर प्याज का बीज खरीदा जाएगा। अलवर जिले में कृषि विभाग द्वारा समय समय पर बीज दवाई के नमूने सैंपल लिए जाते हैं। 2021 वर्ष में 50% का जो टारगेट दिया गया था वह टारगेट पूरा कर लिया गया है। वहीं प्याज बीज के उच्च क्वालिटी के बीज के लिए जिले में टीमें गठित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।